पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। दीदी आइए आइए। साहब नमस्ते। वो बदमाश मिल गए। अब हम आदि को जेल जाने से बचा सकते हैं। अरे ये हमारे लिए सनोरिटा। हाँ। अरे तो दीजिए ना बेधड़क। गिफ्ट लेने में हम कभी शर्माते नहीं हैं। दीजिए। तुम्हारे पास तो सब कुछ है बेटा। ये एक छोटा सा हमारा आशीर्वाद है। खूब लिखो, खूब तरक्की करो। हमारा आशीर्वाद है ये। बहुत सुंदर है। मैं पेन से कोई नहीं लिखता आजकल। हमने कहा था इन्हें घर पे ना। हम लिखेंगे सेनोरिटा और अपना पहला लेख आपको डेडिकेट करेंगे। डन। डन। काव्या नहीं दिख रही। ये काव्या के लिए। क्या इसमें? इसमें जो भी है ना उसे इससे हिम्मत मिलती है बेटा। दिखाएंगे हमें? क्यों नहीं? के साथ जो हादसा हुआ उसका दंश अभी तक हम झेल रहे हैं। ये बंसल बहने हमारे पीछे ही पड़ गई हैं। एक वो भूत नव्या जो दिमाग से नहीं जाती, दूसरी ये काव्या जो घर से नहीं जाती। निकालना होगा इसे किसी भी तरह। कौन है बेब? काव्या आपको बुला देंगे। उसे ये दवा देनी थी। सुबह फोन पे बहुत खास रही थी तो हमने घरेलू चीजों से ये दवा बनाई है उसके लिए। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। प्लीज उसे बुला दीजिए। ठीक तो हम करेंगे उसको। बड़ा रिसेप्शन मनाने चली है। हमने उसका टोटल रिजेक्शन ना करवाया ना तो हमारा नाम भी ओमी प्रधान नहीं। अंकल जी आइए ना आप। आप हमारे साथ आइए, हम काव्या को बुलाते हैं। आपका सेवा करने का मौका मिल रहा है हमें, इससे खुशी की बात और क्या होगी, है ना? अरे का लेंगे आप बताइए, सब इम्पोर्टेड है। आप देखिए हम नहीं लेते हैं। नहीं पीते? चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं पीते तो क्या कर सकते हैं। चाय? चाय तो पीना पड़ेगा आपको। आप आइए बैठिए बैठिए बैठिए। आप यहाँ बैठिए, हम अभी आपकी सुपुत्री को बुला कर लाते हैं चाय के साथ। बैठिए बैठिए। हमारी बात समझे? अरे बंसु कहाँ हो तुम? पापा आ गए क्या? अब तक तो नहीं आए। तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो? हमें पता था नहीं आएंगे। बहुत ज्यादा नाराज है वो। अच्छा सुनो, हम घर होके आएंगे एक बार। अरे नहीं नहीं बंसु, आ जाएंगे, वो अभी वक्त है। तुम आ जाओ, तुम्हें तैयार भी तो होना है। अरे अगर जरूरत पड़ी उन्हें लेके आएंगे हम, ठीक है? तुम हो कहाँ? बस एक आखिरी काम बाकी है, फिर आ रहे हैं। अरे बंसु आज के दिन कौन सा जरूरी काम है यार? अरे आज के दिन तुम्हारे सारे जरूरी काम हमारे साथ होने चाहिए। आफ्टर ऑल हमारा रिसेप्शन है आज यार। कैसे बताए तुम्हारे लिए सरप्राइज है एक। हेलो हेलो माता रानी, हेल्प करना प्लीज। हेलो
लीजिए गर्मा। अरे आप अभी तक खड़े ही हैं। अरे बैठिए, लाओ भाई चाय दो। ले लीजिए चाय। धन्यवाद, हमें चाय नहीं चाहिए। अब प्लीज काव्या बुला दीजिए। अरे अंकल जी आप बैठिए तो सही। हम काव्या को खबर पहुंचा दिए हैं कि आप आए हैं। वो कहा है कि रिसेप्शन है ना, तैयार होने में थोड़ा समय लग रहा होगा। तब तक आप चाय पी जाइए, बैठ। बैठिए जी, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? रिश्तेदारी को मजबूत बनाना है, चाय पीजिए, बहुत स्पेशल बनवाए हैं आपके लिए। अरे चाय पीजिए अंकल जी। अब होगा असली धमाल, जिससे काव्या होगी गुस्से में बेहाल। आदि और उसके बीच होगा बवाल, और काव्या खुद को देगी घर से निकाल। क्या बेवकूफी है, अंदर कैसे आई तुम? वो सब छोड़िए आप, ये देखिए आपके काम की चीज है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी कलेक्टर मैडम से, वो तो कमिश्नर पांडे जी के कहने पर मैंने वार किया। कमिश्नर पांडे जी आपको बहुत धमकाए थे और बोले अगर ये काम नहीं करोगे तो हम तुमको बहुत सताएंगे। क्या करता, मजबूर था। कमिश्नर पांडे ने धमकाया होगा, पर हमला तुमने किया। गुनेगार तुम भी हो, जेल तुम भी जाओगे। नहीं नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमारे बीवी बच्चे। तीन बेटियां दो बेटे, हम जानते हैं। अब याद आ रही है उनकी? जब तुम जेल में सड़ोगे तब उनके साथ क्या होगा, ये सोचा एक बार भी? गुंडे के बच्चे कहलाएंगे वो, और बड़े होके वो भी गुंडे ही बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ हो गया हमसे। हम प्रायश्चित करने का मौका दे सकते हैं, जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका भी दे सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें सरकारी गवाह बनना होगा, दुनिया के आगे सच बोलना होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में। अंकल जी ठीक हो आप? अरे संभाल के अंकल जी, अरे ऐसे गिर पड़ के चलिएगा तो कैसे होगा? सत्यानाश, अबे अंधे हो का? क्या कर दिए? तो अच्छा शेरवानी पूरा सत्यानाश। ओ अंकल जी, I am so sorry। हो गया से? गधा। So sorry अंकल जी, so sorry। हाँ? सुनिए ना, आप एक काम कीजिए, आप कपड़ा बदल लीजिए। आइए भाई। मैं काव्या से मिलना था। अरे मिल लीजिएगा अंकल जी। देखिए कपड़ा एकदम गीला हो गया, रिसेप्शन में जाएंगे अच्छा लगेगा। फिर आप आइए ना, कपड़ा बदल लीजिए, चलिए चलिए। पुलिस हमारे घर पहुंच चुकी है, उन्हें वहां से हटवा दीजिए, वरना ये रिकॉर्डिंग यहां से सीधा क्राइम ब्रांच जाएगी। हम चाहे तो अभी के अभी आपके हाथों में हथकड़ियां डलवा सकते हैं, पर आपकी एक बेटी की तबीयत खराब है और दूसरी हमारी जेठानी है, जिनको दुख हम नहीं देंगे, क्योंकि अपने परिवार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।